मेरे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं और अयोध्या के साथ साथ राष्ट्र को तमाम ऐसी सौगात प्रधानमंत्री देने वाले हैं जिससे अयोध्या में विकास का एक नया युग शुरू होने वाला है। और इसी से जुड़ी हुई और जानकारी आपको देते हैं। पीएम मोदी 15,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 46 परियोजनाओं का पीएम मोदी लोकार्पण करने वाले हैं और शिलान्यास भी यहां पर किया जाएगा। अयोध्या धाम जंक्शन से 6 वंदे भारत को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे और रेलवे स्टेशन से 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। पीएम मोदी राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ का लोकार्पण करेंगे। NH-27 से राम जन्मभूमि तक 4 लेन की सड़क को समर्पित कर देंगे। कलेक्ट्रेट में बने लक्ष्मण कुंज स्मार्ट वाहन बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन। बड़ी बुआ रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। NH-330 से अयोध्या एयरपोर्ट तक 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। राम की पैड़ी पर दर्शक दीर्घा का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज किया जाएगा और इसीलिए ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिन का है, लेकिन बहुत खास माना जा रहा है और बेसब्री से अब बस हर कोई इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच जाए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरे और रोड शो को देखते हुए सुरक्षा के भी चाक चौबंद बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है, कई रास्तों को डायवर्ट बकायदा कर दिया गया है। ड्रोन से पूरे शहर पर इस वक्त निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ में ADG पीयूष मोडिया जी हैं। सर, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो आज बहुत बड़ा चैलेंज होगा अयोध्या में क्योंकि पीएम का आगमन हो रहा है। हमारी पुलिस सब प्रकार की चुनौतियों का सामने करने को तैयार है। आपको बता दें कि बड़ा विस्तृत बंदोबस्त किया गया है। हम जानते हैं कि काफ़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो भीड़ प्रबंधन एक मुख्य चुनौती होता है। हमने विस्तृत यातायात और पार्किंग प्लान बनाए हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट से समन्वय कर जो है रूट को डाइवर्ट किया है। उन वाहनों को जिनका गंतव्य अयोध्या न होकर आसपास के जिले थे उनको बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर आदि लखनऊ से ही डाइवर्ट करा दिया गया है। हमारा प्रयास है कि लोगों का जो है सामान्य जीवन प्रभावित ना हो, उनको पहले से अवगत करके उन्हें अन्य मार्ग उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही यहाँ पर पुलिस और PAC को आवश्यकता के अनुरूप तैनात किया गया है। सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जो हमारे ड्रोन इत्यादि हैं उनसे सर्विलांस की जा रही है। सादे में और वर्दी में महिला व पुरुष पुलिसकर्मी मौजूद हैं और सभी स्थानों पर जो है लगातार पुलिस द्वारा निगरानी की जा रही है। बड़े अच्छे ढंग से सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। एक सवाल और, प्रधानमंत्री के आगमन का जो शेड्यूल है पहले ही थोड़ा सा प्री शेड्यूल हुआ है, पहले ही आ रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम आया है उसके अनुसार ही जो सारा पुलिस प्रबंधन किया गया है और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम बहुत ज़्यादा संशोधन नहीं है। विजिबिलिटी को देखते हुए थोड़ा आगे पीछे होता है और चूंकि कल कोहरा ज़्यादा था, आज कोहरा रिलेटिवली कम है, तो उसी अनुरूप कार्यक्रम बनाया गया है और लगभग 3 बजे तक कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और एक हमारे बिहार के गीत अवध जेकर नौआ, बड़ा निक विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, हनुमान परिकर वैष्णव समाजा, राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा, बड़ा निक लगे राघव यल और कौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा। तो अयोध्या से अलग अलग रंगों को दिखाती हुई तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मैं प्रियंका का रुख कर लेती हूँ। प्रियंका, मुझे लग रहा है आप पहुंच गई हैं वहां पर। कैसा रहा आपका सफर, ये बताइए।
बिल्कुल सफर जिस तरीके से हमने कहा कि एलएचबी कोर्सेस है तो जर्क तो हमें कहीं महसूस नहीं हुआ और ये अमृत भारत ट्रेन भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें सफर करके हम आएंगे। इधर आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए ये अयोध्या स्टेशन है, अयोध्या धाम स्टेशन है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा सजाया गया है, गुब्बारों से सजाया गया है। आगे की तस्वीरें आप देखें, व्हाइट और ऑरेंज कलर की पूरी थीम रखी गई है और यहाँ पूरे स्टेशन गॉम स्टेशन के पीछे की तरफ है क्योंकि प्लेटफॉर्म के पास इस वक्त हमारी मौजूदगी है। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये ट्रेन पूरी सजाई गई है क्योंकि इसको हरी झंडी दिखाई जानी है। साथ ही स्टेशन भी पूरी तरीके से तैयार है, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं आज 8 ट्रेनों को लेकर जो है वो हरी झंडी दिखाई जानी है, जिसमें से 2 वंदे भारत ट्रेन और 2 जो 6 है वो 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेन जो है वो रहेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बच्चे और काफी लोग जो है वो इस ट्रेन में सफर भी करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जाकर बात कर पाए, हालांकि अभी बहुत ज्यादा जाम मुझे लग रहा है यहाँ पर। मैम आप बच्चों के साथ जा रहे हैं? हम इसको ऑफिस से है, रेलवे ऑफिस से है। अच्छा, तो बच्चे कहाँ तक जाएंगे? बच्चे यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाना तो गोरखपुर है, गोरखपुर लखनऊ, लेकिन ऐसे अभी बच्चे जो है फैजाबाद होते हुए निकलेंगे। अच्छा, बच्चों में किस तरीके की एक्साइटमेंट आएगी पहली ट्रेन? हाँ, बच्चों में एक अलग सा उत्साह है। हाँ। बच्चे बहुत जोश में हैं, बहुत खुश हैं। एक एक तो अमृत भारत का जोश है, दूसरे मोदी जी का जोश है। हाँ। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड है, तो तमाम लोग बहुत एक्साइटेड है ये बताया जा रहा है। और देखिए एक्साइटमेंट में कुछ न कुछ बना के भी लाए हैं। ठीक है, बच्चे भी इस ट्रेन में सफर करेंगे? बिल्कुल, और ये दिन भी बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और फिर थोड़े दिन के बाद हम देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा की वो बहुत खूबसूरत ऐतिहासिक तस्वीर सामने आएगी। आप बने रहिएगा प्रियंका, मैं रवि का एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। रवि आपके पीछे मुझे सुरक्षा के जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है उसकी एक झलक दिखाई दे रही है, एक बार फिर से जरा आप, मैं आपके कैमरा पर्सन को कहिए पैन करके पूरा दिखाएं क्योंकि अब समय भी बहुत कम रह गया है तो फिर सुरक्षा भी बढ़ रही होगी। बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है और खास करके ये महिला सुरक्षा कर्मी हैं, आरएएफ की जवान, और यहाँ पर तैनात हैं काफ़ी देर से। और आप देखें कि हथियारों के साथ में, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो रोड शो है अब से थोड़ी देर के बाद में शुरू होने वाला है, तो प्रधानमंत्री के आगमन का समय भी अब धीरे धीरे करके नज़दीक आने वाला है और प्रधानमंत्री अब थोड़ी देर के बाद ही यहां से इन सड़कों से गुजरेंगे। और दूसरी तरफ मैं तस्वीरें अगर ये राम पथ की दिखाऊं तो इस राम पथ पर अभी कलाकार, यहां पर बड़ी संख्या में राम पथ पर कलाकार थे लेकिन पुलिस ने दूसरी तरफ के जो कलाकारों को यहां से दूसरी जगह कह दिया है जाने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का अभी तक जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री रुक सकते हैं और उसके बाद लता मंगेशकर जो चौक है वहाँ पर कुछ देर के लिए वहाँ पर नमन करेंगे, सेल्फी भी ले सकते हैं। लेकिन ये राम पथ की जो आप तस्वीरें देखें, ये राम पथ बिल्कुल कनेक्ट करता है जन्मभूमि पथ की तरफ और जहाँ पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा है। तो फिलहाल इन्हीं सड़कों से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और रोड शो के दौरान दोनों तरफ ही उनका मंत्रोच्चारण के साथ में स्वागत किया जाएगा, फूलों की वर्षा होगी जिस समय प्रधानमंत्री यहां से गुजरेंगे। तो यह राम पथ की आगे की मैं तस्वीरें जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से पूरे राम पथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। दोनों तरफ ही बल्लियां लगाई गई हैं जिससे कि सड़क पर कोई ना आ सके। ट्रैफिक को तो पहले ही डाइवर्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन अब कोई भी यहां से गुजरता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। तो ये राम पथ की तस्वीरें बहुत लॉन्ग शॉट अगर हम दिखाएं पूरे राम पथ की, ये काफी दूरी तक जो स्ट्रेच है राम पथ का, और वहां से थोड़ी दूर पर वहां पर हनुमानगढ़ी है, राम भक्त हनुमान का मंदिर है, वहां पर भी जा सकते हैं इस रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री। उसके बाद वो आगे का काफिला उनका बढ़ेगा जब टेढ़ी बाजार होते हुए रेलवे स्टेशन तक पहुंचेगा, उसके बाद जब यहां पर रोड शो खत्म हो जाएगा फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट में उसका अनावरण करेंगे और लास्ट में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल ये राम पथ की तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है लमीना। बिल्कुल रवि, और न सिर्फ ये तस्वीर खूबसूरत है बल्कि वो कलाकार भी मुझे अमित के फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं जो आप पूरी तरीके से रम चुके हैं। अमित और तस्वीरें क्या इस वक्त आपको यहाँ पर दिख रही है, रिहर्सल करते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं?
देखिए रिहर्सल तो हो रहा है यहाँ पर, एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आने का वक्त बहुत पास है, वो बहुत जल्द यहाँ पर अयोध्या में वो उनका आगमन हो जाएगा। ऐसे में जैसे एयरपोर्ट पर आगमन होगा सीधे धर्मपथ पे आएंगे। लेकिन जो इस तरीके की गलियां हैं, जिस गलियां को इन गलियों पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है ताकि कोई भी गाड़ी जो जिनके पास पास नहीं है वो एंटर ना कर पाए, और जो अयोध्या वासी हैं इन्हीं गलियों में इन्हीं रास्तों में इन्हीं बैरिकेडिंग के पीछे रख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। और आपको हम यहाँ पर तस्वीरें यहाँ पर दिखाते हैं, लगातार जिस तरीके से सुबह से ही रिहर्सल यहाँ पर चल रहा है, अगले एक घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हर तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई। अब देखिए रिहर्सल धर्मपथ पर हम हैं, और देखिए धर्मपथ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस की हर तरफ चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब यहाँ पर जो कलाकार हैं वो कलाकार जो हैं लगातार यहाँ पर अपने कला का प्रदर्शन करते हुए, और इसकी प्रैक्टिस जब इनसे हमारी बात हो रही थी तो इनकी प्रैक्टिस जो है बहुत पहले से चल रही थी प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। निमिश भी हमारे साथ है, अयोध्या में कवरेज लगातार करते रहे। निमिश ये तस्वीर जो है आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन 22 तारीख की तस्वीरें तो और भी अच्छी होंगी। 22 तारीख की तस्वीरें देखिए, ये तो एक झांकी अभी मथुरा काशी, बाकी आज अयोध्या त्रेता की अयोध्या नजर आ रही है। जिस दिन आराध्य आएंगे उस दिन, आज तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने राम के लिए सक्रियता दिखाई, राम मंदिर का फैसला आने के बाद एक माहौल दिया, और देश दुनिया आज इस सुखद परिणाम को देख रही है, महसूस कर रही है कि राम लला भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। और आज अयोध्या केवल जो प्रधानमंत्री का दौरा एक झांकी है, जिस दिन आराध्य आएंगे उस दिन अयोध्या की गलियां अपने आप में कैसा प्रस्तुत मनमोहक रंग प्रस्तुत करेंगे, मन मोह लेने वाली तस्वीरें। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी तस्वीरें हैं जिसकी आपने न कभी कल्पना की होगी न कभी सोचा होगा कि कभी त्रेता की अयोध्या कैसी दिखती रही होगी। बिल्कुल, ये हर तरफ जरा जरा धर्मपथ पे दूसरी तरफ दिखाइए, वहाँ दूसरी तरफ दिखाइए तस्वीरें। जहाँ भी कैमरा पैन होगा, जहाँ तक नजर जा पा रही है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भव्य और बहुत खूबसूरत अयोध्या दिखाई दे रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद अयोध्या के लिए रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास को एक नई उड़ान देने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के साथ साथ 15,700 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहां पर करेंगे। पुनर्विकसित अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही देश के अलग अलग स्टेशन से चलने वाली 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना करने वाले हैं, और इसी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनिश्चित किया था कि वहां पर अयोध्या पूरी तरह से जब खूबसूरत बनकर तैयार हो चुकी है तो प्रधानमंत्री के स्वागत में भी यहां पर कोई कमी न रहने पाए, चूंकि अब 22 जनवरी बहुत नजदीक है। जो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अब देखिए अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंच रहे हैं, बहुत बड़ी सौगात देंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां पर भी लोगों का आना अब शुरू हो चुका है, बड़ी तादाद में लोग उन्हें देखने सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा, रोड शो करेंगे, जिसको लेकर सबसे ज्यादा उत्साह वहां पर है। अलग अलग कलाकार अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं, यानी कि जैसे जैसे काफिला आगे की ओर बढ़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में देखिए रोड शो करेंगे, लंबा रोड शो उनका होगा, तो फिर उसकी भव्यता में भी कोई कमी न रह जाए। वहां पर परफॉर्मेंस के जरिए भी यह सुनिश्चित किया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ रीमा लाइव जुड़ रही है, मैं रीमा का रुख कर लेती हूं। रीमा, जो राम मंदिर है वो जरूर बन भारत में रहा है, अयोध्या में रहा है, लेकिन एक और बड़ा उदाहरण ये भी है कि भारत के लिए राम क्या है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है। आप देखिए दुनिया से भी अलग अलग देशों से और अमृत भारत अनेक प्रकार की ट्रेनों को यहाँ से शुरुआत किया जाएगा, और फिर एक बहुत बड़ी जनसभा है, अयोध्या दर्शन का कार्यक्रम है, पूज्य संत आशीर्वाद देंगे। मैं गदगद हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से, और एक नारा यहाँ प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। लगता है अयोध्या जब जुड़ जाएगा पूरे देश से तो एक तरह से सभी लोग आसानी से आ सकेंगे यहाँ पर। हाँ, निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी की यही इच्छा रही होगी कि
त्रेता युग में तो भगवान श्री राम जब पुष्पक विमान से आए थे तो अयोध्या धाम का कोई एयरपोर्ट रहा होगा, वहाँ उतरा होगा, लेकिन अब राम के भक्त दुनिया के किसी कोने से अगर आना चाहें तो अयोध्या धाम आए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनकर के तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, अब अयोध्या नए रूप में तैयार है और राम मंदिर भी बनकर तैयार है। रीमा का मैं एक बार फिर से